पूर्णमासी की चांदनी में, पूर्णमासी की चांदनी में छत के ऊपर खड़ेरी खाट पे, यानी बिना बिस्तर के जो सोता है वो बीमार कभी होता नहीं है। अब बोलेंगे महाराज कहाँ कहाँ से लावो बात ढूंढ ढूंढ के, यही तो है सबकी परदादी परदादा, ऐसा समझो महाराज पेट में बैठे सबरे ज्ञान बाबा के। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग ज्यादातर बिना बिस्तर की खटिया पर ही सोते और ज्यादा जीते थे, और चौड़े में सोना पसंद था उनको, चौड़े में। क्यों? सारा शरीर रात भर सोम रस पीता, इसलिए बीमार होने का सवाल ही उठता। अच्छा अब हम सब लोग बीमार क्यों ही? क्योंकि हम कैद में रहते हैं, जेल में, खिड़कियां बंद, खिड़की के ऊपर पर्दा बंद। केवल खिड़की से काम नहीं है, खिड़की पे पर्दा और पड़े, कहीं से हवा ना आ जाए भूल से भी अंदर, बड़ी मुश्किल है महाराज बीमारी से बचने के लिए। क्या क्या भार मूले पूरे दिन जो लोग मिट्टी का काम करते हैं और केवल रूखी रोटी और सब्जी खाते हैं दो टाइम, और बढ़िया साबुन से नहीं नहाते, पानी पानी भी बढ़िया नहीं है, पीने के लिए भी फिल्टर नहीं है, पर लंबी उम्र जी रहे हैं, क्यों? वो भी चौड़े में ही सोते हैं। और रात को सोते समय ना मुख्य दरवाजे को खोलने में, अपने घर के मुख्य दरवाजे को, सब्र की गुदड़ियां भाई पड़ी रहे में, जगह है ही ना, रोटी भोटी बनाई खाई, बर्तन भांडे उठाए साइड में रख दियो, चूलो साइड में रख दियो, झाड़ू मारियो, गुदड़ी बिछाई और सो गए, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और अस्वस्थ नहीं होते। मलेरिया टाइफाइड तो उनको आया ही नहीं अभी तक। हम लोग पैसे से कैद में हो गए हैं, बंगला बनाने के बाद बाहर सोना आदमी को छोटापन लगता है, बंगला बनाया और फिर वो बाहर सोवे तो उसको लगता है छोटा हो गया, ये लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अबे लोग तेरी बाउंड्री जहां तक है वहां तक बंगला है बावड़े, तू कहीं भी सो, लोग क्या बोलेंगे, तेरे और तेरे बाप का है। लोगों के बोलने के लिए आदमी अपने कैद बना के बैठा हुआ है, जेल बना के, और अस्वस्थ है, बीमार है। कितना बीमार? आपको पंडाल में जो भी स्वस्थ व्यक्ति लग रहा हो मेरे साथ में, उसे आप सीढ़ियों पे चढ़ाओ, पता चल जाएगा स्वस्थ है कि बीमार है। पच्चीस सीढ़ियां चढ़ने के बाद जिसे बोलने के लिए सांस जोड़नी पड़ रही है, इसका मतलब वो बीमार है। हाँ बोलिए, गधा, खच्चड़, हिमालय पर्वत पर आदमी लेके चढ़ता है पर सांस फूलती, तो गधा बनना ठीक है कि नहीं है तो बताओ है? यानी कि तलवार चल गई, मरने मारने पे आ गए, पर वो नीचे के रूम छोड़े, क्यों? बीमार है, अस्वस्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खराब काम कर दिया नहीं छोड़े, तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं जैसे समझ जाएं कि बीमार व्यक्ति जो होता है वो परवश हो जाता है, मजबूर, क्या हो जाता है, मजबूर, मजबूरी है उनकी, वो तो कहीं भी रहना है रहो, पर कभी कभी सवाल खड़ा हो जाए तो उसका भी समाधान कर देना चाहिए।